Today I'll be talking about the power of visualization and meditation. देखिए, हर कोई कहीं भी आप जाइए बोलता है कि मेडिटेशन करिए. आज के ज़माने में मेडिटेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं हर समय, मतलब टाइम ही नहीं मिलता हमें अपने आप से बात करने का, अपने आप को देखने का, अपने आप को क्लियर करने का या अपने आप को डीक्लटर करने का. तो हमारा माइंड बहुत सी थॉट्स के साथ भरा रहता है, तो हमें ये एक डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए. कुछ टाइम निकाल के मेडिटेशन करनी चाहिए एंड रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन करनी चाहिए. विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर माइंड ब्लोइंग. आपका जो भी फ्यूचर है, जो भी आपका गोल है, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए. उसको विजुअलाइज करिए कि जैसे आप गोल्डन बुक में रात को सोने से पहले कि कुछ लिख रहे हैं योर फ्यूचर, जो आप सोच रहे हैं कि आपको ये बनना है, तो उस गोल्डन बुक में रात को लिखना शुरू करिए. विजुअलाइज करिए ये कि यू आर राइटिंग कि दिस इज़ माई गोल, इस डेट को मैं ऐसा बन जाऊँगा, आई विल बी, जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, आप ये विजुअलाइज करिए. देखिए, विजुअलाइजेशन की जो पावर है, इट्स माइंड ब्लोइंग. एक छोटी सी टेक्निक के साथ आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताती हूँ. देखिए, आप कुछ भी नहीं करिए, स्टैंड स्ट्रेट. आप अपने हाथ को लीजिए और पूरा जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उसको स्ट्रेच करिए, एंड जस्ट वहाँ एक मार्क लगा दीजिए जहाँ तक आपने उसको स्ट्रेच किया, कि वहाँ एक डॉट लग गया कि आपका हैंड वहाँ तक पहुँचा था. नाउ रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रेथ. आप सब मेरे साथ ही कर सकते हैं. नाउ विजुअलाइज अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज. नाउ विजुअलाइज कि आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप में बहुत पावर है, आप अपने आप को हमेशा अपस्केल कर सकते हैं, आप में इतनी ताकत है कि जो आपने अभी किया अगले मोमेंट पर आप उसको दोगुना बढ़ा सकते हैं. मतलब एवरी डे इज़ अ गुड डे, अ न्यू डे फॉर यू, और एवरी डे इज़ बेटर देन द डे अर्लियर येस्टरडे. ऐसा सोचिए, अपने आप को एक्सपेंशन मोड में ले आइए कि यू हैव ऑल द पावर. टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, और वो सोचते रहिए कि आपकी एक्सपेंशन हो रही है एंड यू हैव अ ग्रेट पावर. नाउ रिलैक्स, ओपन योर आइज. अब आप यही एक्टिविटी दोबारा करिए, अपने हाथ को लीजिए और एक्सपैंड करिए. देखा आपने जादू, जहाँ आपका डॉट था उससे वो आगे बढ़ गया. जस्ट शायद कुछ ही सेकेंड्स की विजुअलाइजेशन होगी कि आपने सोचा कि यू आर एक्सपैंडिंग, आपकी एक्सपेंशन होती रहती है, आप पावरफुल बन रहे हो. तो इसने क्या किया, माइंड ने उसको नैरो डाउन कर दिया कि इस समय आपका फोकस है जो अभी एक्टिविटी की थी उसको एम्प्लीफाई करने का, उसको एक्सपैंड करने का. तो देखा, उस समय इतनी सी बात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं देती, उसमें भी हमें रिजल्ट आने शुरू हो गए. तो जो गोल्स जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम उनके लिए विजुलाइज करना शुरू कर देंगे तो कितनी अच्छी थाट्स आएंगी, और उन थॉट्स के साथ साथ हमारे एक्शंस भी कितने अच्छे होने शुरू हो जाएंगे. तो डोंट फॉरगेट, इसको अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाइए, सोने से पहले विजुअलाइजेशन और सारा दिन में कभी भी मेडिटेशन. डू दैट एंड आई होप यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स. टेक केयर, स्टे स्टे एंड स्टे हेल्दी.